आई हैव सम वीकेंड न्यूज़, और इसमें ऑस्ट्रेलियन की फर्स्ट जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. नंबर वन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, स्कॉट मॉरिसन सेज वी विल नॉट इम्पोर्ट द वायरस फ्रॉम इंडिया एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर द नेक्स्ट प्रायोरिटी. सो दिस इज गुड टू नो दैट स्कॉट मॉरिसन नाउ सेइंग दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर देयर प्रायोरिटी, क्योंकि ये बातें सुने हुए स्कॉट मॉरिसन की ज़ुबान से और इसी तरह अदर मिनिस्टर्स की ज़ुबान से काफ़ी टाइम हो गया था जी, काफ़ी टाइम इसमें हमें जो है वो इस तरह की कोई चीज़ इनकी ज़ुबान से सुनने को नहीं मिली थी. एनीवेज, अब इसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, बोथ आर इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स, और इसमें डिफरेंट एजेंडाज थे आज उन्होंने जो डिस्कस किए हैं. सो वीकेंड ऑस्ट्रेलियंस लाइव रोलिंग कवरेज जो थी उसमें उन्होंने उन जो पूरे दिन की जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं और इस तरह कोरोना वायरस के जो रिस्पॉन्स हैं उस पर बात की है. तो स्कॉट मॉरिसन ने डिसमिस की उन कॉल्स को कि वो उन इंडियन ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं, उनको रिपेट्रिएट नहीं करेंगे जिन्होंने वो हैव कॉन्ट्रैक्टेड कोविड इन इंडिया, जिनको इंडिया में कोविड हुआ है. और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है जी कि द गवर्नमेंट विल नॉट इम्पोर्ट द वायरस इन टू ऑस्ट्रेलिया. अब नेक्स्ट उन्होंने जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से एक जो बात नोट करने वाली थी वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा है जी कि रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वॉज नाउ द प्रायोरिटी. सो दिस इज़ गुड टू नो दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव बिकम सम ऑफ देयर प्रायोरिटीज़. हाउएवर, इसमें अभी जितने प्लान्स जो हम पिछले दिनों में बात करते रहे, NSW का प्लान है, विक्टोरिया का, साउथ ऑस्ट्रेलिया का, और इसी तरह से नॉर्दर्न टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है, तो डिफरेंट जो प्लान्स अभी सामने आ रहे हैं वो अब वो किस नैश पहुँचते हैं और इनकी अप्रूवल किस तरह से दी जाती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू अप्रूव ऑल दी प्लान्स. एनी पायलट फेज, जो भी पायलट फेज यूनिवर्सिटीज स्टेट्स प्रपोज कर रही हैं, दैट इज़ लिंक टू द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. सो लेट्स सी, अगर प्राइम मिनिस्टर इज़ नाउ सेइंग सो वी येट टू नो कि कौन से कंट्री से वो स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस बुलाएंगे, कौन सी डिग्रीज होंगी जो इस सारे फेज में इंक्लूड होंगी. बट एनी वे, सम गुड न्यूज़ आर कमिंग थ्रू. एन अपडेट आपके साथ शेयर करता चलूँ, इसमें रियोटेट ने अपनी न्यूज़ में आज ये बताया जी कि कैमरा यूनिवर्सिटीज़ प्रेस फॉर मोर अर्जेंट एक्शन टू रिटर्न इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कैंपसेज. माइकल वीवर इनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और उन्होंने इस न्यूज़ को आज कोट किया है. इसमें ANU यानी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्परा का उन्होंने बताया कि दे विल कंटिन्यू प्रेसिंग द ACT गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स. अब चूंकि ऑस्ट्रेलियन बजट 2021-2022 के अंदर ये अजम्पशन रखी गई है कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हैं वो मिडल 2022 तक जो है वो क्लोज रहेंगे, तो अब ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रेस कर रही हैं अपने गवर्नमेंट्स को कि वो एक सेफ़ प्लान बनाएं जिसके तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस बुलाया जा सके. अब बोथ ANU और UC के जो स्पोक्स पर्सन हैं, दे हैव सेड कि वो मार्च 2020 से, जब से COVID-19 शुरू हुआ है, उस वक्त से वो इन सेफ प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चूंकि कोई भी प्लान मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बट नाउ दे आर प्रेसिंग फॉर द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिफोर द बिगनिंग ऑफ सेकेंड सेमेस्टर इन जुलाई दिस ईयर. अब इसमें ANU ने एक अपना प्रपोजल भी पुट अप किया था कि उसके जो ऑन कैंपस स्टूडेंट अकोमोडेशन और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं उनको रिटर्निंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एज ए क्वारंटीन प्लेसेस यूज़ किया जा सके, लेकिन ACT हेल्थ ने इन सजेशंस को पुट ऑफ कर दिया था बिकॉज वो जो अकोमोडेशन हैं, जो भी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, वो क्वारंटीन अकोमोडेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती हैं. तो इसमें अब इनके जो डिफरेंट ANU के प्रोफेसर्स हैं और इसी तरह से यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया जो है वो पुश कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट्स के वो जितनी जल्दी हो सके ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सेफर रिटर्न जो है उसको पॉसिबल बनाएं. अब इसमें जो स्पोक्स पर्सन है कैमरा यूनिवर्सिटी ANU के, उन्होंने कहा जी कि ऑल दो के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी तो कर रहे हैं, बट दे आर एंक्शियस के वो कब जो है वो उनको वापस ऑन कैंपस उनको बुलाया जा सकता है, क्योंकि अगर इसी तरह से ये प्रोसेस जारी रहा तो दिस वुड पोज अ सीरियस चैलेंज फॉर द नेशंस यूनिवर्सिटीज. लेकिन मैंने जैसे आपको अपनी पहली न्यूज़ के अंदर भी ये बताया, और इसी तरह से इनकी बजट अजम्पशन के साथ साथ इनके जो बजट का पेज 1 है उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जो फेज रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं
उसके हवाले से भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्लान्स जो है वो बना रही है। सो लेट्स सी कि ये प्लान्स अब फुलफिल होते हैं इन प्लान्स, क्योंकि देर इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज प्लान्स। अब एएनयू के अकॉर्डिंगली जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उनका पिछले साल का वो 162.4 मिलियन डॉलर्स का है, तो जो अक्यूमुलेटिव लॉस है यूनिवर्सिटीज़ का वो 2 बिलियन डॉलर पे चला गया जी इन 2021 एज़ कम्पेयर टू 2019। दिस इज़ अनदर थिंग फ्रॉम कैमरा और यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट्स आर पुशिंग द फेडरल गवर्नमेंट टू डिवाइस सम प्लान फॉर द फेज रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज ऑन, वी शुड स्टिक टू द होप्स, और अभी तक हम होप्स के सहारे तो चल ही रहे हैं। सो लेट्स सी वॉट हैपन्स इन फ्यूचर। So I'll keep you updated on different things coming up. So you are requested to subscribe the channel for more updates. Have a good care of yourself, your loved ones. Stay safe, stay home. Bye.